दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि आज से लॉकडाउन पार्ट 3 के खुलेंगे ग्रीन और ऑरेंज जोन में ताले, जाने कहां कौन सी सेवाएं रहेंगी जारी। आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू होगा जो कि 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक चलने वाला ये चरण अब तक के दो चरणों के मुकाबले काफी राहत भरा रहेगा। लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए कोरोना वायरस के जोखिम के आधार पर देश को तीन भागों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतर्राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा अभी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाओं को भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी जोन में 67 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को जरूरी कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार की एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी, उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को जोन में बांटा गया है। जहां 21 दिन से कोई मामला नहीं आया है ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले जिले ऑरेंज जोन में और ज्यादा मामले वाले जिले रेड जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को देश में 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। सबसे ज्यादा 19 रेड जोन जिले उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकती हैं लेकिन उसमें महज 50% यात्री ही होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। यही नहीं, ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति है। और ऑरेंज जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच गैर जरूरी गतिविधियों के लिए भी बाहर आने जाने की अनुमति दे दी गई है। नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। इन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। यही नहीं, ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने को भी अनुमति है। आपको बता दें कि रेड जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि पर रोक कायम रहेगी। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही पूर्ति करेंगी। कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जरूरी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। हालांकि राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार छूट में बदलाव कर सकती हैं। और आपको बता दें कि रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। और वस्तुओं की एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई राज्य रोक नहीं लगाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 1930 हेल्पलाइन नंबर को ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी खोल दिया है। ट्रक और सामान की आवाजाही से संबंधित किसी भी समस्या के लिए वे इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईवे पर आने वाले शिकायतों के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अगली खबर बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार। 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई, 2,487 नए केस। जी हम बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों के चलते देश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही तमिलनाडु और पंजाब में नए मामलों में तेज वृद्धि हो रही है। रविवार को महाराष्ट्र में 678 मामले सामने आए हैं।
वहीं 27 लोगों की जान चली गई है। जबकि गुजरात में जहां 374 नए केस मिले और वह 28 लोगों की जान गई है, तो तमिलनाडु में 266 और पंजाब में 150 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई है और 2487 नए मामले मिले हैं, जिसके साथ जान जाने वालों की संख्या 1306 और संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि महानगर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रविवार को धारावी में 94 नए मामले सामने आए और 2 व्यक्ति की जान चली गई है। अब तक यहाँ 590 संक्रमित पाए गए हैं और 20 लोगों की जान जा चुकी है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो 678 नए मामले मिले हैं और 27 लोगों की जान गई है। राज्य में संक्रमितों की आंकड़ा 12,974 हो गया है और 548 लोगों की अब तक की जान गई है। सिर्फ मुंबई में 441 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की जान गई है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 8,613 और 343 लोगों की जान गई है। और अब बता दें कि हैदराबाद में घर वापस जाने के लिए सड़क पर उतरे हजारों मजदूर, सरकार पर लगाया ये आरोप। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो कि 17 मई 2020 तक चलेगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। इसके बावजूद अभी भी कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन सामने आता रहता है। रविवार को लॉकडाउन के चलते तेलंगाना के हैदराबाद में फंसे मजदूरों ने हंगामा किया और हैदराबाद में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए और राज्य सरकार ने उन्हें घर भेजने की मांग करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवासी मजदूर हैदराबाद शहर में स्थित टोली चौकी फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि वे बिना किसी काम के एक महीने से अधिक समय से शहर में फंसे हुए हैं और राज्य सरकार से उन्हें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था करे। भीड़ को शांत करने के लिए कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस बीच मजदूरों ने सड़कों पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि बिहार के प्रदर्शनकारी श्रमिकों में से एक मजदूर ने कहा, हम तंग जगहों में रह रहे हैं, हमें शुरू में राशन मिला था लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ठीक से राशन नहीं मिल रहा है। अगर राज्य सरकार हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती तो कृपया 1 या 2 दिनों के भीतर हमें घर वापस भेजने की व्यवस्था करें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन को और बढ़ा दिया, उस तरह से क्या सरकार का डिसीजन लेना सही था? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, बोले ट्रेन में श्रमिकों से टिकट का पैसा लेना शर्मनाक। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन में महाराष्ट्र के नासिक रोड में फंसे 847 लोग ट्रेन से लखनऊ पहुंचने के बाद रोडवेज की बसों से अपने अपने गृह जनपद रवाना हो गए। विशेष ट्रेन से लखनऊ पहुंचे श्रमिकों से टिकट की कीमत वसूलने को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद शर्मनाक बताया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और कोविड केयर फंड पर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गरीबों से ही ट्रेन के टिकट के पैसे लेने थे तो कोविड केयर फंड में जो खरबों रुपया डलवाया गया है उसका क्या होगा। अखिलेश यादव ने केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नासिक से ट्रेन से लखनऊ लाए जा रहे मजदूरों से रुपए वसूलने का कृत्य बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भी आरोग्य सेतु ऐप से 100-100 रुपए वसूले जाने की खबर है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा कि दूसरे शहर में नौकरी कर रहे लोगों को अपने घर जाने की इजाजत नहीं होगी। जी हां, बात करें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ये आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो काम के सिलसिले में अपने मूल स्थान के बजाय दूसरे स्थानों पर रहते हैं। इसके अलावा उन पर भी लॉकडाउन का नियम लागू होगा जो विभिन्न शहरों से अपने मूल शहर के लिए यात्रा करना चाहते हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है, वहीं 1300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच लॉकडाउन बढ़ने से अन्य राज्यों में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन लोगों को स्पष्ट कहा है कि विभिन्न स्थानों पर काम के सिलसिले में गए लोग 17 मई तक अपने मूल निवास स्थान तक यात्रा नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने
रविवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें सरकार की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो काम या उससे संबंधित किसी कारण से दूसरे शहरों में अपने घरों से दूर रह रहे हैं। अगर वे सामान्य कारण से भी अपने घर जाना चाहते हैं तो भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। केंद्र में कहा लॉकडाउन में सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत है जो मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से मुश्किल हालात का सामना कर रहे प्रवासी मजदूर और छात्रों को ही अपने घर जाने की इजाजत है, वो भी उन्हें जिनको राज्य अपनी सुविधा के अनुसार वापस बुला रहे हैं। मजदूर और छात्र भी तभी वापस लौट सकते हैं जब उन्हें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो, यानी वे राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंध के माध्यम से लौटेंगे। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है पटियाला शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन में 43 दिन से यूपी के संभल में फंसे दिल्ली के 10 स्टूडेंट्स गेहूं की कटाई कर कमाए पैसे, पीएम से मांगी मदद। जी हां, हम बात करें कि लॉकडाउन में दिल्ली के 10 स्टूडेंट संभल जिले गांव असालतपुर जारई में 43 दिन से फंसे हुए हैं। एग्जाम खत्म होने पर गंगा स्नान करने आए स्टूडेंट्स के पैसे भी खत्म हो गए और ये सभी एक विद्यार्थी के मामा के यहाँ रह रहे हैं। मामा की माली हालात देखकर उनकी मदद करने के मकसद से इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने गेहूं काटकर कुछ पैसे भी जुटाए हैं और इन विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से दिल्ली या अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्हें उम्मीद थी कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अवधि बढ़ने से वे मायूस हो गए हैं। छात्रों ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मुंबई पुणे में रेड जोन से भी ज्यादा सख्त होगा लॉकडाउन, नहीं मिलेंगी कई छूट। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वे मुंबई और पुणे में लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करेगी। इन दोनों शहरों में रेड जोन से भी अधिक सख्त लॉकडाउन होगा। इसके अलावा दोनों शहरों के करीबी शहरों में भी सख्त लॉकडाउन को लागू कराया जाएगा। अहम बात यह है कि पूरे देश में जिन इलाकों में रेड जोन है वहां से भी अधिक कड़ा लॉकडाउन इन शहरों में होगा। मुंबई और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, यहां सोमवार से कुछ भी खोला नहीं जाएगा। इन दोनों शहरों में सरकारी कार्यालय बहुत ही कम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, सिर्फ 5% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। इन शहरों में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के चलने पर भी पूरी पाबंदी होगी। दूसरे जोन में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के चलने की अनुमति होगी। 2 पहिया गाड़ी व अकेले व्यक्ति को चलने की अनुमति होगी, जबकि कार में सिर्फ 2 लोगों को चलने की आजादी होगी। बता दें कि देश कोरोना वायरस से लगातार जूझ रहा है। भारत में कोरोना वायरस से कुल मामले 39,980 हो गए हैं। और अब बता दें कि शराब की बिक्री के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, रोज इस टाइम से खुलेंगी दुकानें। जी हम बात करें कि 4 मई दिन सोमवार से एक बार फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है और इस बीच शराब के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। तीसरे चरण में शराब और बियर की दुकानों को यूपी सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें, लॉकडाउन 3.0 के तहत सोमवार से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शहरों को 3 मुख्य जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। सरकार ने रेड और ऑरेंज जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। रेड जोन के हॉटस्पॉट में भी कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। और अब बताते हैं कि गुजरात से यूपी आ रहे मजदूरों को योगी सरकार ने नहीं दी अनुमति, नाराज वर्कर्स ने पुलिस पर फेंका पत्थर। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों प्रवासी मजदूर जो कि लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए थे, वे वापस अपने प्रदेश नहीं जा पा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें उनके प्रदेश में वापस भेजे जाने की अनुमति के बावजूद प्रदेश में आने से रोक दिया है। यूपी सरकार ने इन तमाम मजदूरों को सूरत से यूपी लेकर आ रही बसों को रोक दिया है और उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें कि सूरत के पुलिस कमिश्नर RB ब्रह्म भट्ट ने शनिवार को बताया कि
भी इन्हें यूपी में आने की अनुमति नहीं दी गई है। सूरत के कमिश्नर ने बताया कि गुजरात और यूपी की सरकार इस मसले के समाधान के लिए बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रम की वजह से कुछ मजदूर वापस सूरत जा रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 40 से 50 बसें यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही हैं। उन्होंने सूरत से जाने के लिए पास दिया गया है उन्हें सूरत से जाने के लिए पास दिया गया है लेकिन उन्हें यूपी सरकार द्वारा पास नहीं मिलने की वजह से रोक दिया गया है। दोनों सरकारों के बीच कुछ तकनीकी मसले हैं जिसका समाधान होने के बाद मजदूरों को वापस भेजा जाएगा। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि श्रमिक ट्रेन से यात्रा के लिए इन नियमों का करना होगा पालन। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। अब इस ट्रेन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन के तहत ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि श्रमिक ट्रेनों के संचालन का पूरा अधिकार उसके पास है। ऐसे में कभी भी सुरक्षा कारणों से रेलवे इस ट्रेन के संचालन को बंद कर सकता है। वहीं बिना मास्क और स्क्रीनिंग के किसी भी यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक श्रमिक स्टेशन ट्रेनों के संचालन के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई संख्या के आधार पर ट्रेन टिकट की छपाई होगी। और अब बता दें कि दिल्ली NCR में हुई बारिश, इन राज्यों में आ सकता है आंधी तूफान, गिर सकते हैं ओले। जी, आपको बता दें कि देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है लेकिन इस बीच बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानी पर बल डाल दिया है। राजधानी दिल्ली और NCR समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से घने बादल छाए हैं और बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मालूम हो कि भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिमी उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में आज से लेकर अगले 2 दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।